हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते गई जो भक्ति काय को न आए स्तुति को जारी है। धन धन दिन हित काज सब आज गए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने डाली है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने डाली है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने डाली है। हे जिनेंद्र देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए, इसका यह महोत्सव है। भक्त से भगवान बनने का महोत्सव है। जैन परंपरा का सर्वोत्कृष्ट महोत्सव, इससे बड़ा कोई महोत्सव नहीं है, इससे बड़ा कोई आयोजन नहीं है। आयोजनों में सर्वोत्कृष्ट पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। पंच और कल्याणक क्या होता है इसमें? इस पंच कल्याणक में प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है। प्रतिमाएं तो प्रतिष्ठित होती ही है, कुछ लोग भी प्रतिष्ठित होते हैं। हमें अपने आप को प्रतिष्ठित करना है कि भगवान को प्रतिष्ठित करना है? अपने आप को, अपनी कौन सी प्रतिष्ठा? मान सम्मान, गले में माला, मंच, यही यही प्रतिष्ठा है। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव पाषाण की प्रतिमाओं को परमात्मा बना देने वाला महोत्सव है। दादा कहते हैं इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में हम भी आए हैं और प्रतिमाएं भी आई हैं। जयपुर से दो आए ना, प्रतिमाएं भी जयपुर से आई, हमारे यहाँ विद्वान भी जयपुर से आए। जो प्रतिमाएं जयपुर से आई है वे इस महोत्सव पूरा होते होते धीरे धीरे क्या बन जाएंगी? भगवान बन जाएंगी। और हम भी कुछ बनेंगे कि नहीं? बहुत पुरानी बात कहता हूँ, हमारे आरजब जब छोटा था बेटा, तो मैं ऐसे ही आयोजन के लिए निकल रहा था तो उसने पूछा, पापा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटा पंच कल्याणक में। बोले ये कहाँ है? बोले कहाँ है नहीं, पंच कल्याणक तो आयोजन का नाम है। बोले इसलिए क्या होता है? तो मैंने कहा वहाँ भगवान बनते हैं। बहुत छोटा था, कैसा यहाँ पंच कल्याणक में भगवान बनते हैं। अच्छा पापा, तो आप भी वहां से भगवान बन के आओगे? क्या कहते बोलो पंडित जी, भगवान बन के आएंगे? पंच कल्याणक में तो भगवान बनते हैं ना, कल्याणक पूर्वक। तो ये कल्याण का महोत्सव है, ये कल्याणकारी महोत्सव है। इस महोत्सव के माध्यम से कल्याण हुआ। ये कल्याणक किसे कहते हैं? हमारे यहाँ शास्त्रों में कल्याणकों की व्याख्या आती है। तीर्थंकरों के निमित्त से इंद्रों द्वारा, देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। वो उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, जिस उत्सव को मनाया जाता है देवों के माध्यम से, और निमित्त बनते हैं तीर्थंकर। पांच हुए कल्याणक तीर्थंकर परमात्माओं के। जितने भी परमात्मा जो तीर्थंकर हुए हैं अपने यहाँ भरत क्षेत्र के, ये सब पंच कल्याणक पूर्वक ही तीर्थंकर हुए हैं। यद्यपि विदेश क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकर दो और तीन कल्याणकों पूर्वक भी होते हैं। कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके दो कल्याणक होते हैं, कुछ तीर्थंकर ऐसे होते हैं जिनके तीन कल्याणक होते हैं। फिर भी जितनी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित होती है उन सबको पंच कल्याणक पूर्वक ही प्रतिष्ठित किया जाता है, ये पूजनीय हो जाती है। कैसे बन गई वे प्रतिमाएं, पूज्य कैसे हो गई? माने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन में घटी हुई वे पांच महत्वपूर्ण घटनाएं जो तीर्थंकर के समग्र जीवन चरित्र को बतलाती है, उसका प्रदर्शन किया जाता है।
उसे बतलाया जाता है। ये महोत्सव ऐसा महोत्सव है, देखो भाई ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में आई हुई प्रतिमाएं तो भगवान बन जाएंगी, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, कि हम भी कुछ बने हैं। जो कुछ लोग, नए लोग इस बात को सुन रहे होंगे, वो ऐसा सोच रहे होंगे कि हमें तो पहले ही कह दिया था लोगों ने, वहां जाओगे तो तुम्हें बना देंगे। और यहां बात भी ऐसी ही चल रही है कि कुछ ना कुछ तो बनना ही पड़ेगा। बनाने के भी दो अर्थ होते हैं, आप भी बन गए क्यों पंडित जी, आप भी बन गए। बन गए माने यहां क्या बनने की चर्चा चल रही है? अरे बनने की चर्चा नहीं चल रही है, बने बनाए भगवान आत्मा को पहचानने की चर्चा चल रही है। हमारे यहां भगवान भी अपने आप को पहचानते हैं, जो आत्म स्वरूप को जानते हैं, पहचानते हैं और अपने स्वरूप में समा जाते हैं, वे भगवान बन जाते हैं। भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। ये प्रक्रिया भी यहां भगवान बनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी गर्भ में आए हैं, आज तो गर्भ में आएंगे ना, अभी गर्भ कल्याणक महोत्सव तो मनाया जाएगा। अभी तो हमने 16 स्वप्न देखे हैं, क्या चल रहा है अभी, अभी क्या चल रहा है गर्भ में आने के पहले, क्या प्रक्रिया चल रही है गर्भ में आने के पहले, आखिर हो क्या रहा है शौरीपुर नगरी में, यहां क्या हो रहा है, महसूस कर रहे हैं आप? रत्नों की बरसात हो रही है, गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात चलती है आपके यहां सौरीपुर नगरी में भी। कल जब ये महोत्सव का प्रारंभ हुआ, सौधर्म इंद्र के माध्यम से घोषणा कर दी गई कि बाल तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं, 6 महीने पहले से ही कुबेर को बुलाकर रत्नों की बरसात का कार्यक्रम शुरू हो गया। यहां रत्न बरस रहे हैं कि नहीं आपकी इस नगरी में? यहां भी बरस रहे हैं, विद्वानों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से, ये तत्व ज्ञान के माध्यम से ये चैतन्य रत्न बरसाए जा रहे हैं। वहां जड़ रत्न बरस रहे थे, जड़ रत्नों के बरसने के माध्यम से नगरवासी संपन्न हो रहे थे, और यहाँ ये चैतन्य रत्न, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों की चर्चा, ये चैतन्य रत्नों की चर्चा, ये अंदर में शांति उत्पन्न करने वाली है। रत्न बरसने का प्रयोजन क्या है ये तो बताओ, आखिर ये रत्न क्यों बरसते हैं, ये बरसते हुए रत्न किस बात को प्रदर्शित करते हैं? ये इसी बात को तो प्रदर्शित करते हैं कि अब सर्व संपन्नता है, कहीं अशांति नहीं है, कहीं दरिद्रता नहीं है, कहीं दीनता नहीं है। इस महोत्सव के माध्यम से भी वही बातें यहां गुंजायमान होगी जिससे दरिद्रता और दीनता का सर्वनाश हो जाएगा। अब दरिद्र नहीं, अब पामर बने रहने का अवसर नहीं है, अब तो परम पवित्र परम पद को प्राप्त करने का अवसर आ गया है। अब वो प्रसंग आ गया है, अब वो अवसर आ गया है जब भक्त नहीं भगवान बन सकेंगे। देखो भाई इंद्रों की प्रतिष्ठा हुई है? और क्या क्या कार्यक्रम हुए कल से यहां अभी तक, उन कार्यक्रमों को एक बार दृष्टि में लेकर के देखो जरा। कुछ लोग इंद्र बन गए, कुछ राजा रानी बन गए, और माता पिता भी बना दिए गए, क्यों किसी को भगवान क्यों नहीं बनाए? जब सारे ही पात्र हमने निश्चित किए हैं तो भगवान भी रख देते किसी को। जब बाल तीर्थंकर का जन्म हो तो उस समय किसी जन्मते हुए बालक को, महीने दो महीने के किसी बालक को लाकर के गोदी में बिठा दो, पालना जुलन के समय किसी बालक को लाकर के पालने में झुला दो। ये नहीं भाई, सारे पात्र तो डुप्लीकेट हो सकते हैं लेकिन भगवान डुप्लीकेट नहीं हो सकते। क्या भगवान तो निज पुरुषार्थ पूर्वक बनते हैं। तो ये बाल तीर्थंकर का जन्म, तीर्थंकर का जन्म, तीर्थंकर गर्भ में आएंगे, अरे नैगम नय की अपेक्षा से, भावी नैगम नय की अपेक्षा से ये कथन किया जाता है। वास्तव में तो भगवान बनेंगे, अभी जन्मते नहीं है। यदि उनके पिछले जीवन को दृष्टि में लेकर
भगवान बनने की प्रक्रिया उन्होंने पिछले जीवनों में शुरू कर दी थी। राधा कहते हैं भगवान महावीर स्वामी ने भगवान बनने की ये प्रक्रिया शेर की अवस्था में शुरू की थी 10 भाव पहले, और भगवान पार्श्वनाथ ने भगवान बनने की इस प्रक्रिया को हाथी की पर्याय में शुरू किया था। माने पशु की अवस्था में परमात्मा बनने का कार्य शुरू किया था। जब नर से नारायण बना जा सकता है, जब पशु से परमेश्वर बना जा सकता है, जब पूंछ वाला परमात्मा बन सकता है, तो ये मूंछ वाला परमात्मा क्यों नहीं बन सकता है? जरा देखो उनके जीवन को, हमारे समान ही चतुर्गति में परिभ्रमण करते थे, हमारे समान ही उनकी भी अवस्था थी, फिर उन्होंने आखिर ऐसा क्या किया कि वे परमात्मा बन गए? यही तो विधि बताई जा रही है यहाँ, यही तो विधि बतलाएंगे विद्वानों के माध्यम से, आखिर वे परमात्मा कैसे बन गए। परमात्मा बनने की दिशा में पहले चरण का नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन अभी गर्भ में है, ये सम्यक दर्शन गर्भ में होने का अर्थ यह है सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि की अवस्था। ये गर्भ कल्याणक का काल है, ये अभी दिखाई नहीं दे रहा। सम्यक दर्शन को भी आप गर्भ कल्याणक कह सकते हैं, क्योंकि अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वो जगत के जीवों को दिखाई नहीं देती है, इसी तरह से गर्भ में आया हुआ जीव जगत के जीवों को दिखाई नहीं देता है कि गर्भ में आ गए हैं। लेकिन एक बात अवश्य है कि जब बाल तीर्थंकर गर्भ में आए तो उसके आने के पहले 16 स्वप्न आए। आपको भी स्वप्न आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो ये क्या प्रदर्शित करते हैं, ये 16 स्वप्न किस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं? माने तीर्थंकर आने के पहले जिस जगह पर जिन माता के गर्भ में तीर्थंकर आने वाले हैं, आने के पहले माता को 16 स्वप्न आ रहे हैं। इसका मतलब है आने की घटना को सूचित कर रहे हैं कि क्या काम होने वाला है। और आपको पता है कल जब राजसभा चल रही थी तो राजसभा में महाराजा ये कह रहे थे जरूर किसी न किसी पुण्यशाली जीव के आने का काल आ गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। तत्व चर्चा का माहौल बना दिया गया। मैंने देखो कैसा होता है, कोई भी काम हो जगत में वो काम होने के पहले पहले स्वप्न आते हैं। आपको दुकान खोलना हो तो दुकान खोलने संबंधी विकल्प आते हैं कि नहीं आते हैं? या बिना विकल्प आए दुकान खुल जाती है? जॉब करना हो तो जॉब करने के पहले जॉब करने संबंधी विकल्प आते हैं या नहीं आते हैं? भोजन करना हो तो भोजन करने संबंधी विकल्प आते हैं या नहीं, या डायरेक्ट ही भोजन शुरू हो जाता है? दुनिया का कोई काम तो ऐसा बतलाओ जो काम हो जाए और उस काम के होने के पहले उसका विकल्प ना होवे। है दुनिया में कोई ऐसा काम? क्या ऐसा संभव है कि आपको इस बात का विकल्प ही नहीं आया कि हम यहाँ पंचकल्याणक में आएंगे और आप आ गए? यहाँ आने के पहले आपको विकल्प आया होगा ना? ये कितना प्रैक्टिकल है कि कोई भी कार्य होने के पहले उस कार्य के संबंध में विकल्प आते ही आते हैं। अब मेरे को आपसे ये पूछना है कि सम्यक दर्शन प्रकट करने की आपकी भावना है तो क्या सम्यक दर्शन प्रकट करने संबंधी विकल्प आपको आते हैं? यदि सम्यक दर्शन प्रकट करने संबंधी विकल्प ही नहीं आ रहे हैं और फिर आप ये कहें कि 40 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, 50 साल हो गए स्वाध्याय करते हुए, कितने पंचकल्याणक देख लिए, आज तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई साहब? आप क्या करने के लिए आए थे? हमारे आगम ग्रंथ तो ये कहते हैं कि ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ये सम्यक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। देवगति के जीवों में असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के दर्शन मात्र से हो जाती है। पंचकल्याणक दर्शन, अरे साहब कहां साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का पंचकल्याणक, कहां उसका दर्शन और कहां ये, क्यों क्या फर्क है उसमें? हिसाब वो तो असली पंचकल्याणक था, ये असली पंचकल्याणक थोड़ी न है।
इस धोखे में मत रहना कि ये नकली है। कि नकली नहीं है तो क्या आप इसे असली कहना चाहते हैं? ये असली है क्या? यहां असली नेमिनाथ स्वामी का जन्म होगा क्या? ये माता शिवा देवी और महाराजा ये सब असली है क्या? यहां असली सौदर मेंद्र को बुलाया गया है? ये नकली नहीं है तो और क्या है? भाई साहब ये नकली नहीं है। दादा एक शब्द देते हैं बहुत सुंदर, ये नकली नहीं है। आप कहें कि असली है तो हम कह रहे हैं असली भी नहीं है। तो असली और नकली के बीच में भी कुछ होता है कि? हाँ, असली और नकली के बीच में भी है कुछ, उसका नाम है असल नकल। ये असल की नकल है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और वहां अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, मार्कशीट प्रस्तुत की जाती है, तो क्या आप असली मार्कशीट लगाते हैं? नहीं लगाते। तो क्या नकली लगाते हैं? जो मार्कशीट वहां लगाई जाती है क्या वो नकली होती है? नहीं। तो क्या है वो? वो असल की नकल है। नकली नहीं है, नकल है। समझ में आ रही है बात? नकली और नकल में फर्क है। माने वो असल की नकल है, उसमें रंज मात्र भी फर्क नहीं है। और सुनो, वो जो नकल प्रस्तुत की जाती है, वो प्रस्तुत की गई नकल भी वही काम करती है जो काम असली मार्कशीट करती होगी। यही तो हम कह रहे हैं आपको। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का ये आयोजन भी नकली नहीं है, ये असल की नकल है। यहाँ भी जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, ये वही कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, ये वही आयोजन होगा, ये वैसा ही प्रदर्शन होगा, ये वैसी ही घटनाएं यहाँ दिखाई जाएगी जो घटनाएं साक्षात नेमिनाथ भगवान के जीवन में घटी थी। उसी तरह से रत्न वर्षा का आयोजन, उसी तरह से गर्भ कल्याणक, उसी तरह से जन्म कल्याणक, उसी तरह से जैसे जैसे घटनाएं घटी, बाल तीर्थंकर के जन्माभिषेक, दीक्षा कल्याणक, आहार दान, जो जो व्यवस्थाएं जैसी जैसी उनके जीवन में पांच घटनाएं घटी थी, वे घटनाएं यहां प्रदर्शित की जाएंगी। हम तो आपसे ये कह रहे थे कि भाई काम होने के पहले विकल्पों में आता है। बाल तीर्थंकर आने के पहले स्वप्न में आ गए, आपके विकल्पों में कुछ आ रहा है या नहीं? देखो, यह बात परम सत्य है कि कार्य विकल्पों से नहीं होता, विकल्प से तो काम नहीं होता। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि काम होने के पहले विकल्प आए बिना भी नहीं रहते। विकल्प से काम नहीं होगा, लेकिन विकल्प भी आएंगे। काम होने के पहले विकल्प नियम से आएंगे। अब सम्यक दर्शन, आत्मानुभूति संबंधी कितने विकल्प चल रहे हैं, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पूर्व भूमिका की बात कर रहा हूं आपके बीच में। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टियों की बात कर रहा हूं मैं। आत्मानुभूति जिसका यह सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, मैं वो बात आपके बीच में कर रहा हूं। क्या आत्मानुभूति करने संबंधी विकल्प उठता है हमारे चित्त में? क्या कभी ऐसा लगता है प्रवचन सुनते सुनते क्या हो सम्यक दर्शन तो करना, ये सुनते सुनते फिर कभी लगे और फिर कोई प्रयास नहीं, उठ करके चले जाएंगे, भोजनशाला में चले जाएंगे, फिर कार्यक्रम चलता रहेगा, फिर राग रंग, फिर वही नाच गान और सब वही कार्यक्रम। बड़े बड़े जी के आयोजन में प्रयोजन नहीं भूल जाना चाहिए। ये आयोजन है, लेकिन इस आयोजन में आपका प्रयोजन क्या है? बोलो, देखना ही प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? कुछ न कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना। वे पाषाण की प्रतिमाएं यदि परमात्मा बनेगी, तो मैं ये कहता हूं भले ही परमात्मा ना बने, परमात्मा बनने का मार्ग तो शुरू हो जाए। जब अचेतन प्रतिमाओं में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो हम तो चेतन हैं भाई साहब, क्या उस अचेतन से भी गए बीते हैं? वे पूजनीय हो जाएगी। सुनो, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाए तो ये जीव भी पूजनीय हो जाता है सारे जगत में। मैं आपसे पूछता हूं, देखो प्रथमानुयोग के कितने प्रसंग दिखते हैं। सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने पुष्प वृष्टि करना शुरू कर दिया, जय जयकार करना शुरू कर दिया। यमपाल चांडाल
सेठ सुदर्शन सूरी का सिंहासन बना दिया गया। कितने प्रसंग मिलते हैं देवों द्वारा जय जयकार किए जाने के, और कारण क्या था? प्रथमानुयोग से यदि आप ये पूछो तो प्रथमानुयोग ये कहेगा उनका शील, उनका संयम, उनका आचरण, उनका जीवन, इसकी चर्चा करेगा प्रथमानुयोग। लेकिन यदि द्रव्यानुयोग से बात करो तो द्रव्यानुयोग ये कहता है जिस पर्याय ने अपने स्वभाव का सम्मान किया वो पर्याय इतनी सम्मानित हो जाती है कि स्वर्ग के देव भी उस पर्याय का सम्मान करने लगते हैं। किसने किसका सम्मान किया बतलाओ, ये किसका सम्मान है? ये चक्रवर्तियों का सम्मान है, ये मुनिराजों का सम्मान है देवों के द्वारा, ये उन राजा महाराजाओं का सम्मान है देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि, ये उन सतियों का सम्मान है। इस धोखे में मत रहना, उन सतियों उन महाराजाओं ने अपने स्वभाव का अवलंबन लिया इसलिए उस पर्याय का सम्मान है। जो पर्याय स्वभाव का अवलंबन लेवे वो पर्याय पूज्य हो जाती है, वो पर्याय पवित्र हो जाती है। ये स्वभाव की महिमा है भाई साहब। हमारे ये बाल तीर्थंकर भी कैसा दृश्य होगा कल्पना करो आप, गर्भ में आए हुए वो बाल तीर्थंकर पद्मासन बैठे रहते, हमारे जैसे नहीं। 9 महीने गर्भ अवस्था में रहेंगे लेकिन 9 महीने गर्भ अवस्था में रहते हुए भी वे अंतर्मुख होकर के अतिंद्रिय आनंद का रसा स्वादन करते रहते हैं, गर्भ के काल में भी, गर्भ में रहते हुए भी, अपूर्णता के काल में भी। हाँ भाई साहब ऐसा ही तो स्वरूप है। वे आत्मानुभवी कब से हैं? ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति 3 भाव से बंध रही है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों के बारे में यह नियम होता है कि उनको तीर्थंकर कर्म प्रकृति 3 भाव पहले बंध जाती है। विदेश क्षेत्रों में होने वाले तीर्थंकर तो गर्भ और जन्म के बाद भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध लेते हैं, और कुछ तो दीक्षा के बाद भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध कर तीर्थंकर बन जाते हैं। लेकिन भरत और ऐरावत क्षेत्र में होने वाले सभी तीर्थंकर नियम से 2 भाव पहले माने 3 भाव तक निरंतर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती रहती है। कि क्या कर्म प्रकृति होती होगी, कैसा स्वरूप है इस तीर्थंकर कर्म प्रकृति का, कैसी प्रकृति है ये? ध्रुव बंधनी प्रकृति कही गई है तीर्थंकर प्रकृति। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय का काल नहीं है ये, जब गर्भ में आए हैं। ये रत्नों की बरसात तीर्थंकर कर्म प्रकृति के उदय का काल नहीं है बाबू जी। अरे साहब तीर्थंकर कर्म प्रकृति, अरे तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आएगा तो तीर्थंकरत्व दिखाई देगा क्या? 13वें वंशकाल में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं, उसके साथ वाली कर्म प्रकृतियों के उदय में ये अनुकूलताएं दिखाई दे रही है। सोचो आप, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाएगा तो कैसा अपूर्व आनंद होगा उसका तो कहना ही क्या। ये जो वर्तमान में परिणामों में शांति दिखाई दे रही है ये सम्यक दर्शन प्रकट करने के विकल्प मात्र में उत्पन्न होने वाली शांति है, उसके साथ वाली शांति है ये। तो नदी को स्पर्श करके आती हुई हवाएं भी जिस तरह से शीतल होती है क्या, उसी तरह से इस चैतन्य की चर्चाओं को लेकर के उठने वाले विकल्प भी ये शांति प्रदान करने वाले होते हैं। अभी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय नहीं है, निरंतर बंध रही है वो कर्म प्रकृति। कैसी कर्म प्रकृति बंधती होगी वो, 2 भाव पहले जो कर्म प्रकृति बांधी, ऐसा कहते हैं 4वें गुणस्थान से 7वें गुणस्थान के बीच में ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधने की शुरुआत होती है। कब शुरू होती है? 4वें से 7वें के बीच में ये बंधन की शुरुआत होती है। फिर क्या होता है, बंधती रहती 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 है, नॉन स्टॉप। खाते पीते भी ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध रही है, नहाते धोते भी ये कर्म प्रकृति बंध रही है, कुछ भी कर रहे हो हर हाल में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन निरंतर चालू रहता है, निरंतर चालू रहता है, निरंतर चालू रहता है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, बंधती रहती है, पूरे जीवन बंधती रही। फिर वे मर करके जीवन पूरा होकर के देवगति में चले गए, स्वर्ग में चले गए, वहां जाकर के भी तीर्थंकर कर्म प्रकृति सागरों पर्यंत निरंतर बंधती रहती है।
और फिर वहां से आयु पूरी कर जब मनुष्य भाव में आते हैं तो मनुष्य जन्म लेने पर गर्भ में भी निरंतर बंध रही है, जन्म के समय भी निरंतर बंध रही है, और दीक्षा लेने तक और दीक्षा के बाद भी जब वे श्रेणी चढ़ने लगते हैं तो आठवें गुणस्थान के छठे भाग तक ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति निरंतर बनती रहती है, 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 बनती रहती है। क्या बनता होगा आखिर, बोलो। एक ऐसी कर्म प्रकृति है, क्या बनता होगा इस तीर्थंकर कर्म प्रकृति, और साथ में उस तीर्थंकर कर्म प्रकृति के साथ में कैसी पुण्य प्रकृतियों का आकर्षण होता होगा, किस तरह की वे पुण्य कर्म प्रकृतियां बनती होगी। भक्तावर स्तोत्र के अंदर एक श्लोक आता है, वो कहते हैं यही शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवने ललाम भूत तावंत एव खलु तेभ्यः पृथिव्याम यत्ते समानम अपरम नहीं रूपमस्ति। हे तीर्थंकर परमात्मा, आपका ये जो रूप और सौंदर्य दिखाई दे रहा है, ये रूप और सौंदर्य कैसा है, ये रूप और सौंदर्य, अरे इस लोक में वे परमाणु ही इतने ही थे जिन परमाणुओं के माध्यम से आपकी सुंदरता की रचना हो गई है, इसलिए हे जिनेन्द्र देव अब आपके चेहरे को देखते हुए हमारी दृष्टि यहां से नहीं हटती। ये कैसा स्वरूप है, वे पुण्य प्रकृतियां अभी बाल तीर्थंकर आए नहीं है यहां शौरीपुर नगरी में, अभी थोड़ी ना आए हैं, अभी तो 6 महीने पहले का काल चल रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हो जाती है, जहां महापुरुष आने वाले हों उनके आने के पहले ही वहां सारी व्यवस्थाएं शुरू हो जाती है, सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे करके सारी व्यवस्थाएं, नगरी की रचना इंद्र के माध्यम से की जा रही है, जगह जगह तोरण द्वार बांध दिए गए हैं, जगह जगह रंगोलियां सजा दी गई है, गर्भ शोधन के लिए आ गई है, अभी गर्भ कल्याण के पहले सारी व्यवस्थाएं 56 कुमारियों को लेकर के वो कुबेर वो उपस्थित हो गया इस नगरी में, कैसी सुंदर व्यवस्था होगी। ये तीर्थंकर कर्म प्रकृति के पहले की व्यवस्था है, आप सोचो साक्षात तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आएगा तो क्या होगा। ऐरावत हाथी पर बैठा करके ले जाना, मेरु पर्वत पर ले जा करके अभिषेक करना, कितनी जबरदस्त प्रकृति है ना, मजा आता है इस प्रकृति की चर्चा सुन करके। ये सुनो सुनो सुनो, कल गुरुदेव का प्रवचन नहीं सुना तुमने, जिस तीर्थंकर कर्म प्रकृति की चर्चा सुन सुन करके चित्त में आनंद आ रहा है, जिस तीर्थंकर कर्म प्रकृति की बात सुन करके मजा आता है, क्या गजब प्रकृति है, क्या गजब पुण्य प्रकृति है, अरे कैसा वैभव है, भोजन की व्यवस्था वहां से होगी, कपड़ों की व्यवस्था स्वर्ग से होगी, क्या गजब है, देव लोग साथ में खेलते होंगे, कैसा अनुभव होता होगा, कैसा वेदन होता होगा उनको, क्या गजब लगता है ना। सुनो भाई सुनो, जिस भाव से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधे है वो भाव भी बंधन का कारण है, वो भाव भी उपादेय नहीं है, वो भाव भी रखने योग्य नहीं है, वो भाव भी अपनाने योग्य नहीं है। बोलो कौन मिलेगा ऐसा। तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने के विकल्प वालों को तीर्थंकर कर्म प्रकृति नहीं बंधती क्या, तो 16 कारण भावना भाने वालों को तो तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंधती होगी क्या, बोलो 16 कारण भावना भाने वालों को तो बनती है ना, नहीं बनती। उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार्थ सूत्र 6 अध्याय में कर्म प्रकृतियों के आश्रव के कारण बतलाए हैं, वहां बहुत सारे सारे ज्ञानावरणी कर्म प्रकृति के आश्रव का कारण, दर्शनावरणी कर्म प्रकृति के आश्रव का कारण है, मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम गोत्र समस्त कर्म प्रकृतियों के आश्रव के कारण बतलाए और सबको समूह में बतलाया और एक सूत्र ऐसा दिया जिस सूत्र में तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रव के कारण बतलाए। क्या कारण बतलाए, क्या कारण बतलाए सब तीर्थंकर कर्म प्रकृति के आश्रव के, 16 कारण भाव में, तो 16 कारण भावनाओं को भाग करके बन जाए तीर्थंकर, कोई भी बन जाए उसमें क्या हो गया, नहीं बन सकते। क्यों भाई साहब, क्यों नहीं बन सकते, 24 ही होंगे, 24 ही बन सकते, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तीर्थंकर कर्म प्रकृति वर्तमान में असंख्यात जीवों को बंध रही है,
क्या कह रहा हूं, असंख्यात जीवों को ही नहीं, और सुनना गंभीरता से, असंख्यात नारकी जीव ऐसे हैं जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति के बंधन सहित हैं, जिनके अभी निरंतर तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है। घबराना नहीं, सिद्ध करूंगा बात को। असंख्यात देवगति के जीव ऐसे हैं जो वर्तमान में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर रहे हैं। असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन, हाँ हाँ, जितने जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन कर रहे हैं उससे असंख्यात गुने ज्यादा जीव ऐसे हैं जो सम्यक दृष्टि हैं, और उससे अनंत गुने ज्यादा जीव ऐसे हैं जो मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए मिथ्या दृष्टियों की तुलना में अनंत में भाग जीव तो सम्यक दृष्टि हैं, और सम्यक दृष्टि जितने हैं उनके असंख्यात में भाव जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, और जितने जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं उनकी संख्या भी असंख्यात है। कि साहब बात कुछ गले नहीं उतर रही है, आप कह तो रहे हो असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं, ये बात कैसे गले उतरेगी, ये बात कैसे संभव है। एक सौधर्म इंद्र अपने जीवन काल में असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक मना लेता है। तो कैसे मना लेगा, पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव, फिर पहले तीर्थंकर ऋषभदेव कब जब हुए थे उसके बाद में अजितनाथ जो तीर्थंकर हुए उसके बीच में 50 लाख करोड़ सागर का अंतराल था। क्या कह रहा हूं, कितना अंतराल था, आधा चौथा काल बीत गया, आधा चौथा काल। ऋषभदेव स्वामी तीसरे काल में ही हो गए थे, तीसरे काल में ही गर्भ में भी आ गए थे, जन्म भी हो गया था, तीसरे काल में ही दीक्षा भी ले ली थी, तीसरे काल में मोक्ष भी चले गए थे ऋषभदेव स्वामी। उसके बाद चौथा काल शुरू हुआ और चौथा काल भी आधा बीत गया तो अजितनाथ स्वामी हुए। 50 लाख करोड़ सागर का अंतराल था, और सौधर में इंद्र की आयु तो मात्र 2 सागर की होती है। कितने सागर का अंतराल था पहले तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में, 50 लाख करोड़ सागर, और सौधर में इंद्र की आयु कितनी होती है। इसका मतलब जिस तीर्थंकर ने, जिस सौधर्म इंद्र ने ऋषभदेव स्वामी के कल्याणक मनाए होंगे वो सौधर्म इंद्र अजितनाथ स्वामी के कल्याणक मनाने के लिए नियम से नहीं आया। जिस सौधर्म इंद्र ने अजितनाथ भगवान के कल्याणक मनाए होंगे वो सौधर्म इंद्र संभवनाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए नियम से नहीं आया। जिसने संभवनाथ भगवान के कल्याणक मनाए होंगे वो अभिनंदन नाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए नियम से नहीं आया। लो तो यहां तो सौधर्म इंद्र, एक सौधर्म इंद्र एक तीर्थंकर के कल्याणक मनाता हुआ दिख रहा है, और आप कह रहे हो एक सौधर्म इंद्र असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक मना लेता है और असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांध रहे हैं। या हाँ साहब, हाँ धैर्य तो रखो, थोड़ा सा बात बता रहे हैं क्या। तो क्या बात है कि बात ऐसी है कि विदेश क्षेत्र में साक्षात 20 तीर्थंकर सदाकाल कम से कम मौजूद रहते हैं। महाविदेश क्षेत्र में सीमंदर आदि 20 तीर्थंकर सदाकाल मौजूद रहते हैं, तो क्या अनादि अनंत वही बने रहते हैं तीर्थंकर। कि नहीं भाई, 1 कोटि पूर्व के बाद नियम से उनका निर्माण हो जाता है और दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं। अब जरा कल्पना करो, अब जरा देखो उस परिस्थिति को। आज से यदि हम बात करें विराग जी, आज से यदि हम प्रैक्टिकल बात करें, इस दिन से 1 कोटि पूर्व बाद जिस दिन आज हम बैठे हैं ना, यहां से 1 कोटि पूर्व के बाद यदि हम वापस देखें तो इतने काल में विदेश क्षेत्र के 20 के 20 तीर्थंकर बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे। कोई साल भर बाद बदलेगा, कोई 50 साल बाद बदलेगा, कोई 1000 साल बदलेगा,
है ना, कोई एक पूर्व बात बदलेगा, कोई 10 पूर्व बात बदलेगा, कोई 50 पूर्व बात बदलेगा, कोई 500 पूर्व बात बदलेगा, कोई 1000 पूर्व बात बदलेगा, कोई 1 कोटि पूर्व बात बदलेगा। 1 कोटि पूर्व से तो ज्यादा आयु हो नहीं सकती कर्म भूमि के मनुष्यों की। इसका मतलब 1 कोटि पूर्व में पूरे के पूरे भी तीर्थंकर बदल जाएंगे। और एक पूर्व कितना बड़ा होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष का मात्र। क्या कितना बड़ा है एक पूर्व? सिर्फ 70,56,000 करोड़ वर्ष का मात्र, इतना सा है। आप सोच सकते हैं सागर कितना बड़ा है? एक सागर में कितने कोटि पूर्व होते हैं? एक सागर की बात कर रहा हूं, 100 धर्मेंद्र की 2 सागर की आयु है, 2 सागर की आयु है 100 धर्मेंद्र की। आपकी तो बहुत कम है महाराजा साहब, तो पीछे है बड़ी उम्र वाले, तो सागरों की आयु वाले तो पीछे बैठे हैं। एक सागर में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं और 1 कोटि पूर्व में 20 तीर्थंकर हो जाते हैं, तो असंख्यात कोटि पूर्व हो जाते हैं एक सागर के काल में। 2 सागर 100 धर्मेंद्र की यदि आयु है तो असंख्यात तीर्थंकर हो जाएंगे। आएंगे कहां से ये तो बताओ, आएंगे कहां से? यदि असंख्यात जीव तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने वाले नहीं होंगे तो आएंगे कहां से? 1 कोटि हर कोटि पूर्व के बाद, हर कोटि पूर्व के बाद 20 चाहिए मिनिमम, कहां से आएंगे? तो कहां से जा रहे होंगे बोलो? तीर्थंकर कर्म प्रकृति बांधने वाले जीव, एक बात और सुनना, देव गति में तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू नहीं होता। नारकी तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू नहीं करते, त्रियंच गति के जीवों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू नहीं होता। इसका मतलब कर्म भूमि के मनुष्य ही तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू करते हैं। तो असंख्यात जीव ऐसे हैं जो मनुष्य भाव में जिन्होंने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंधन शुरू किया और वर्तमान में देवगति में चले गए, बोलो। और जिनके देवगति के जीवों के और नारकी जीवों के तीर्थंकर कर्म प्रकृति बन रही है, इसका मतलब ये है कि अब वे वहां से आकर के डायरेक्ट तीर्थंकर बनेंगे। कैसी स्थिति बनेगी? तीर्थंकर प्रकृति बंधे चाहे न बंधे, तीर्थंकर बनने वाले जीव वहां मौजूद हैं जो अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले। ये बड़ा विचित्र स्वरूप है भाई, ये गंभीरता से विचार करना एक बार। देखो भाई, देव गति की तुलना में ये मनुष्य गति की भी यदि मैं बात करूं आपसे, तो ये महान दुर्लभ अवसर आ गया है। देव गति प्राप्त करके पंच कल्याणक आप देख पाओ चाहे न देख पाओ, इस बात की गारंटी नहीं है। क्यों क्यों नहीं है भाई साहब गारंटी? इसलिए नहीं है क्योंकि अनगिनती देव, उनको विकल्प ही नहीं आता पंच कल्याणकों में जाने का। मिथ्या दृष्टि देवों की बात कर रहा हूं, कुछ तो ऊपर स्वर्ग के देव होते हैं जो तत्व ज्ञान के अभ्यास के कारण विकल्प नहीं आता, और अनगिनती देव मिथ्या दृष्टि हैं जिन्हें वैसे विकल्प नहीं आता। अनगिनती देव तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, उन्हें विकल्प नहीं आता। आप देखो अपने जीवन में कितने पंच कल्याणक देखने का अवसर आपको मिल रहा है, आप कितने भाग्यशाली। मैंने उस 100 धर्मेंद्र से तुलना करो अपनी, जो 100 धर्मेंद्र इतने कल्याणक विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों के मनाता है उससे अपनी तुलना करो, हमने भी कितने पंच कल्याणक देख लिए। हम कोई कम नहीं है उससे, और 100 धर्मेंद्र से। सुनो भाई, ये मनुष्य गति के जीवों को देवों की महिमा आती है, और देव लोग मनुष्य पर्याय की प्राप्ति के लिए तरसते हैं। दीक्षा के दिन करेंगे चर्चा, जो भी विद्वान करेंगे उस दिन करेंगे विस्तार से चर्चा। आज तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, असंख्यात भव देव पर्याय के मिले तो एक भव मनुष्य का मिलता है। ये साहब असंख्यात से नीचे कोई बात नहीं करते हो क्या पंडित जी आप? क्या करें भाई, वस्तु स्वरूप ही ऐसा ही है। असंख्यात भव देव पर्याय के मिले, सुनो, अनंत
असंख्यात वार नार की और असंख्यात वार देव पर्याय की प्राप्ति, तो एक पर्याय मनुष्यों को मिलती है। नहीं समझ में आई बात? साधिक 2000 सागर के लिए त्रस पर्याय की प्राप्ति हुए ना, क्या उसमें मनुष्य पर्याय आपको मिले ही नहीं? असंख्यात बार देव हो जाए तब जाकर के एकाध पर्याय मनुष्य पर्याय मिले। इतना दुर्लभ है ये मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना, बड़े भाग्य से हो गया है हमारे को। लेकिन देखो आप, इंद्र बनने की देव बनने की होड़ लगी रहती और पैसा दे दे करके तैयार है हम इंद्र बनने के लिए और मनुष्य बनने के लिए। आप तो शौरीपुर नगरी के वासी हो, सब मनुष्य हो के नहीं? इंद्रों को तो उधर बैठा दिया गया और बाकी शौरीपुर नगरी के वासी कौन है? हम लोग। ये इंद्र बनकर के अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो क्या शौरीपुर नगरी के वासी बनकर के हम अपना कर्तव्य ना निभाएं? क्या कर्तव्य निभाना चाहिए बताओ हमारे को? वही कर्तव्य निभाना चाहिए, वैसी ही अनुभूति और वैसा ही अनुभव हमारे को होना चाहिए जैसा अनुभव शौरीपुर नगरी के नगरवासियों को हुआ होगा। कल अभय जी भाई साहब ने प्रवचन करते हुए हिंट दिया था कुछ इस तरह का। दादा तो निरंतर प्रवचनों में इस तरह की बातें कहते ही हैं, आप महसूस करो। आप यदि फील नहीं करेंगे तो आप इस पंच कल्याणक में असल नकल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। आप इसे आयोजन मात्र समझेंगे तो आपको वो फीलिंग नहीं आ पाएगी। आप फील तो करो, कैसे लोग वहां होंगे, कैसे रहते होंगे, कैसी नगरी होगी, किस तरह के लोग होंगे, क्या लड़ाई झगड़ा करते होंगे, क्या बात बात में नाराजगी उनको दिखती होगी, क्या व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं को लेकर के वहां चर्चाएं चला करती होगी। कल्पना तो करो आप, उस नगर की कल्पना करो जिस नगर में साक्षात नेमिनाथ भगवान का अवतरण होने वाला है, उस नगर की कल्पना करो। वो महाराजा समुद्र विजय के राज्य की कल्पना करो आप, तो आप महसूस करेंगे ओहो कितनी शांति होगी। रत्न बरसने का मतलब जानते हैं? रत्न बरसने का मतलब भी शांति है, बाहर से शांति और अंदर से शांति। देखो भाई, बाहर में यदि संपन्नता होती है तो परिणामों में शांति रहती है। जिस व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास में आजीविका की व्यवस्था नहीं हो, उसके परिणाम कैसे शांत रहेंगे? कठिन है बहुत काम, आसान काम नहीं है। आजीविका की व्यवस्था नहीं हो, भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो, परिवार के पालन पोषण की व्यवस्था नहीं हो और आपको परिणाम शांत रखो, परिणाम शांत रखो, कैसे परिणाम शांत रखें? बाहरी सर्व अनुकूलताएं होने पर परिणाम शांत होना सहज है। वहां यदि संपन्नता दिखाई दे रही है शौरीपुर नगरी में रत्न बरसते हुए, इसका मतलब यह है जीवों के परिणाम कितने शांत होंगे। अरे आजीविका का कोई विकल्प नहीं रहा, हम भी यहाँ यही काम करने वाले हैं, यहाँ इस आयोजन में भी यही काम होने वाला है, यहाँ भी उसी संपन्नता की चर्चा चलने वाली है। क्या चर्चा चलने वाली है? वही परिणाम कैसे शांत हो, परिणाम कैसे निर्मल हो, उपयोग स्वभाव सन्मुख कैसे हो। देखो उन बाल तीर्थंकरों की, गर्भ में बैठे हुए उस बालक के अंतरोन्मुख दशा को देखो और अपने इस दशा को देखो, उनकी अंतरोन्मुखी अवस्था और हमारी अंतरोन्मुखी अवस्था नहीं हो सकती है, ये प्रयास नहीं हो सकता है। उनकी मुद्रा क्या संदेश दे रही है, ये बनने वाली पाषाण की प्रतिमाएं क्या संदेश दे रही है, पाषाण के शिलाखंड से ये परमात्मा बन गई है ना ये भाई साहब। ये जैन दर्शन का सर्वोत्कृष्ट महोत्सव है और सर्वोत्कृष्ट कार्य है। दुनिया के सर्व दर्शनों में एकमात्र दर्शन है जैन दर्शन ऐसा जो भक्त नहीं भगवान बनने की बात करता है। पूरे विश्व में एकमात्र जैन दर्शन है, इस जैन दर्शन के अलावा दूसरा कोई दर्शन नहीं है। यदि जैन दर्शन और अन्य दर्शन का यदि कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो सबसे बड़ा अंतर एकमात्र ये निकलेगा कि यहां भक्त नहीं भगवान बनाए जाते हैं। दादा कहते हैं हमारे यहां जयपुर में दो तरह के भगवान बनते, अचेतन भगवान भी जयपुर में बनते हैं और चेतन आत्माओं को भी भगवान बनाया जाता है। अब आपको यदि भगवान बनना है तो जयपुर आना पड़ेगा,
कोई बात नहीं, आप भले ही जयपुर न आए लेकिन जयपुर वासियों को यहाँ बुला लिया। हमारे शांति जी भाई साहब हैं, अभय जी भाई साहब हैं, सब जितने विद्वान हैं, ये सब विद्वान जयपुर से ही भगवान बनने की कला सीख करके आए हैं, वही कला यहाँ सिखा रहे हैं। कैसे बनेंगे भगवान? भक्त नहीं भगवान, जन्मेंगे नहीं बनेंगे। क्या प्रक्रिया होगी आखिर, वो किस प्रोसेस से भगवान बनते होंगे? पहला चरण सम्यक दर्शन, पहला चरण आत्मानुभूति, पहला चरण वेद विज्ञान, पहला चरण निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति, और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए विकल्पात्मक अवस्था। अब वो विकल्प कैसे होते होंगे? गुरुदेव मिल गए भाई साहब हमारे को, ये प्योर बात मिल गई है। जैनियों के यहाँ भी सबके यहाँ ये बात नहीं है। जैन कुल में जन्म लेने के बावजूद भी भगवान बनने की चर्चा सब जगह पर नहीं है। जरा देखो कितने जैनियों के घर में भगवान बनने की चर्चा चलती होगी, कितने जैनियों के आयोजन में भगवान बनने की चर्चाएं चलती होगी। हमारे महाभाग्य से ऐसे गुरु मिल गए जिन गुरु ने हमारे को भगवान बनने की कला भी बताई और बना बनाया भगवान भी बताया। बना बनाया भगवान बता करके भगवान बनने की कला बतला दी है कि तुम परमात्मा हो। कि साहब परमात्मा है तो अब क्या करना बाकी रह गया है? कि कुछ नहीं करना है, निर्णय करना है, नक्की करना है, मैं परमात्मा हूं इस बात का अनुभव करना है। और क्या करना है? बने बनाए परमात्मा को परमात्मा बनने के लिए और क्या करना है बताओ? बनना नहीं है। अच्छा, इन प्रतिमाओं को भगवान बनाने के लिए क्या किया जाएगा बताओ? कुछ बाहर से कुछ डाला जाएगा, कुछ तो किया जाएगा ना है? क्या किया जाएगा? ये भगवान कैसे बनेगी? ये प्रतिमा बनने के पहले, प्रतिमा के निर्माण के पहले भी उस पाषाण में प्रतिमा को देख लिया था, ऐसा ही तो हुआ था। यहां इस अवस्था में, इस मनुष्य देह सहित अवस्था में, इस देह देवर में विराजमान परमात्मा के दर्शन हो जाएं, ये काम हमारे को करना है। यहां ये 5 दिन के इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, 6 दिन के इस आयोजन में, 6 में से 1 तो कल निकल गया, अब तो 5 बचे हैं। अब 5 दिन में ये काम हमारे को करना है। उधर भगवान की प्रतिमाएं वे भगवान बनती रहे, और इधर ये चेतन भगवान ये हमारे को भगवान बनता हुआ दिखाई देने लगे। हमारी दृष्टि में, हमारे उपयोग में, हमारे परिणामों में इतनी निर्मलता आ जाए कि वो चैतन्य स्वरूप विकल्पात्मक भूमिका में हमारे को स्पष्ट परमात्मा जैसा दिखाई देने लगे, तब जाकर के परमात्मा बनने का मार्ग शुरू होगा। जैसे मूर्तिकार को पाषाण के शिलाखंड में प्रतिमा दिखने लगती है ना, ऐसे विकल्पात्मक भूमिका में तत्व निर्णय करते हुए हमारे को भगवान इस देह देवालय में दिखाई देने लगे। ये प्रयास करना है, ये अभ्यास करना है हमारे को। और ये अभ्यास कब करेंगे, ये अभ्यास कहाँ करेंगे? ये अभ्यास इस तत्व ज्ञान के माध्यम से, जो यहाँ विद्वानों के माध्यम से परोसा जा रहा है, दिन भर जो चर्चाएं चल रही है, असली की नकल है ना, इसलिए तत्व चर्चाएं चलती है इंद्र सभाओं में। जहां असली नकल नहीं होती ना, वहां तत्व चर्चाएं नहीं दिखती है, वो तो पूरा माल ही नकली होता है। ये असली असली है का मतलब क्या? असली की नकल का मतलब क्या है? क्या पंडित जी साहब क्या करते होंगे? ये इंद्र सभाओं में क्या चलता होगा, ये राज सभाओं में क्या चलता होगा? ये असली चर्चा है? असली की नकल माने तत्व ज्ञान की चर्चा, असली की नकल माने वेद विज्ञान की चर्चा, असली की नकल माने वही चर्चाएं जो चर्चाएं रियल में चलती होंगी। अरे आत्म अनुभूति संपन्न जीव जिनके गर्भ में आवे और उनके विकल्पों में आत्म अनुभूति की चर्चा नहीं चले, ऐसा कैसे होगा बताओ? जिनके गर्भ में बैठा हुआ जीव अंतरोन्मुख होकर के आत्म अनुभव कर रहा हो, अतिंद्रिय आनंद का रसास्वादन कर रहा हो, और उसकी माता को विकल्प नहीं आए, ऐसा कैसे होगा? स्वप्न तो सबको आते हैं, और जो स्वप्न आते हैं वे स्वप्न अच्छे और बुरे फल को भी प्रदर्शित करते हैं। यह बात अलग है कि आप उन स्वप्नों के फल को पहचान पाए चाहे नहीं पहचान पाए, लेकिन काम होने के पहले ये स्वप्न तो आते ही आते हैं। और कैसे स्वप्न आते हैं?
गर्भ में बालक आया और आपको तत्व चर्चा करने का यदि अवसर आ रहा है, भाव आ रहा है, ये निकल पा रहे हैं, इसका मतलब गर्भ में आया हुआ जीव बहुत भाग्यशाली है। और गर्भ में आने पर यदि समझ लीजिए आपको सजने संवरने का भाव आ रहा है तो समझ लीजिए कैसा जीव आने वाला है। आपको यदि भोगों के परिणाम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो जीव भोग विलासिता से संपन्न आएगा, ऐसा आएगा जो भोगों में रचा पचा होगा, माने वो परिणाम उस बात को प्रदर्शित करते हैं। या गर्भ में जो जीव आ गया है, जो जीव गर्भ में आ रहा है, अनुभव करेगा गुरु पद्मासन विराजमान गर्भ अवस्था में, पद्मासन में बैठे हुए हमारी तरह ऊंधे मुंह नहीं लटकते हैं, वहां गर्भ में भी अनुकूलता है। एक गर्भ में आए हैं, 9 महीने गर्भ में रहेंगे और माता का उदर नहीं बढ़ता है, माता को तकलीफ नहीं होती है, न माता को तकलीफ होती है और न बालक को तकलीफ होती है, कैसा पुण्य है ये, ये कैसे पुण्यशाली जीव है। और देखो माता के देह में विराजमान है, स्वयं देह की संरचना हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में भी भले ही वो गर्भ अवस्था में भी वहां गर्भ शोधन हो गया, गर्भ अवस्था वो पवित्र है वहां गर्भ भी, लेकिन उसके बावजूद भी अनुभव तो उस तत्व का करते हैं जिस तत्व में राग की मलिनता भी नहीं है। गर्भ की मलिनता तो है ही नहीं, राग और विकार की मलिनता से रहित चैतन्य तत्व की अनुभूति वे गर्भ अवस्था में तीर्थंकर कर लिया करते हैं। जिनके गर्भ में बैठे हुए आत्म अनुभूति करते हो, वे माता जब चर्चा करती होंगी तो किस प्रकार की चर्चाएं करती होंगी, ये दृश्य देखने के लिए आप यहाँ उपयोग एकाग्र करके बैठे रहे, कुछ ही क्षणों में यहाँ वे दृश्य आपके सामने प्रदर्शित किए जाते हैं।